कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का असर सोमवार को भी देखने को मिला। महानगर की सड़कों और विभिन्न चौराहों पर सोमवार को भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला और कहीं कहीं वाहनों का आवागमन भी जारी रहा, जिसमें जिला अस्पताल रोड, टाउन हॉल, कचहरी चौराहा, जिला परिषद रोड, गोरखपुर क्लब रोड, आरटीओ तिराहा तथा अम्बेडकर चौक पर बैरियर लगाकर कर्फ्यू का पालन कराया गया। इसके अलावा रात्रि में भी पुलिस कर्फ्यू का पालन कराती रही, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर अलग अलग पॉइंट पर चेकिंग किया जा रहा है। 41 जगहों पर बैरिकेटिंग किया गया है तथा जो अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर चालान किया जा रहा है और जो बेवजह दुकानें खोल रहे हैं उनके ऊपर 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तथा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, लॉकडाउन को लेकर के अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। 41 चेकिंग बैरियर्स लगाए गए हैं और ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त शाम को एक अलग अभियान भी चलाया जाएगा। अपराधियों के परिप्रेक्ष्य में भी चेकिंग की जाएगी ताकि अगर कोई अवैध असलाह या ऐसे कोई लेके जा रहा है उसकी भी चेकिंग की जाएगी। जो लोग अब अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई हो रही है, गाड़ियों के सीजर की कार्रवाई की जा रही है और जो बेवजह दुकानें खोल रहे हैं जो अलाउड नहीं है उन पे 188 का मुकदमा भी लिखा जा रहा है, महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा भी लिखा जा रहा है। सर जुर्माना भी वसूला जा रहा है? हाँ, जुर्माना वसूला जा रहा है। सर जो ऑटो चल रहा है बिना परमिशन के उसके विरुद्ध भी अभियान चल रहा है, एसपी ट्रैफिक महोदय के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है।